हेलो गाइस, माय सेल्फ शिवम निक्स। आज हमारी क्लास नंबर 11, जिसके अंदर हम सीखेंगे ई माइनर। ठीक है, ई माइनर कॉर्ड आज हम बजाना सीखेंगे। लास्ट 3 क्लासों के अंदर जो हमने सीखा था, सबसे पहले हमने सीखा डी कॉर्ड, फिर हमने सीखा ए माइनर, देन हमने सीखा ए मेजर। सो आज जो हमारा टाइम है दैट इज़ फॉर ई माइनर। बहुत ही सिंपल कॉर्ड है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो प्लीज़ ध्यान देना इस कॉर्ड पे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो देता हूँ। इंट्रो कुछ इस तरीके से है। देखिए, इस कॉर्ड को प्ले करने के लिए ये है हमारा ई माइनर। ई माइनर को प्ले करने के लिए हमारा जो फ्रेटबोर्ड यूज़ होगा दैट इज़ ओनली सेकेंड। सेकेंड फ्रेटबोर्ड पे ही हमारा सारा काम होगा। फिंगर यूज़ ये वाली करनी है आपने, सेकेंड फिंगर एंड थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर जिसे हम बोलते हैं। आपको सबसे पहले अपनी थर्ड फिंगर यानी रिंग फिंगर को सेकेंड फ्रेट के फोर्थ स्ट्रिंग पर प्रेस करना है, लाइक दिस। ओके, फ्रेटबोर्ड के जितना नीचे हो सके उतना करिए नज़दीक। फिर अपनी सेकंड फिंगर को प्लेस करना है फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, इस तरीके से। आप दोनों एक साथ ऐसे नहीं कर सकते, आप बोले कि हम एक साथ कर ले, क्योंकि हम थोड़ा एडजस्टेबल करना मुश्किल होगा। थोड़ा सा आपको नीचे से ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में इस चीज़ को रखना पड़ेगा, इस तरीके से। जितना हो सके उसे नियर रखिए फ्रेट्स के, जिससे साउंड की क्लियरिटी बहुत ही बेस्ट आए, और इसे प्ले करिए। तो ये हमारा ई माइनर। ई माइनर में बेसिकली आपको जो स्ट्रिंग्स का यूज़ करना होता है वो होता है 5 4 3 2 1। ये बेस लेने के लिए आप 6 से पूरा ही स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये हमारा ई माइनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल for getting a new videos and new songs, and I hope you like these videos, and peace out.